कुर्की का नोटिस, चस्पा करने गई पुलिस। हिस्ट्री शीटर ने शुरू की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाश की गोली लगने से सिपाही की मौत। सीएम योगी करेंगे बुलडोजर वाला इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज में एनकाउंटर के दौरान सिपाही की मौत के बाद अब प्रशासन भी फुल एक्शन में आ गया है। एक तरफ हिस्ट्री शीटर बाप बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी कन्नौज की टीम इस बदमाश की संपत्तियों की जांच करने गांव में पहुंच गई। प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक अपराध से अर्जित संपत्ति मिली या अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर एक्शन तो तय है। आज इसी मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के कन्नौज में एक घटना हुई जिसने बिकरू कांड की याद ताजा कर दी। दरअसल इस वारदात का पैटर्न काफी हद तक कानपुर के बिकरू कांड की तरह है। बिकरू कांड में भी पुलिस बेखबर थी, इस वारदात में भी पुलिस को उम्मीद ही नहीं थी कि बदमाश घर के अंदर ही है, जबकि बदमाश मुन्ना यादव को पहले ही सूचना मिल गई थी कि उसके घर पुलिस आ रही है। बदमाश मुन्ना ने पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठाया और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में गोली लगने से कन्नौज पुलिस के एक सिपाही सचिन राठी की मौत हो गई है। वहीं इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। हिस्ट्री शीटर मुन्ना की अवैध संपत्तियों पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनकी अवैध संपत्तियों की जांच के लिए राजस्व टीम उसके घर पहुंच गई। राजस्व विभाग की टीम उसकी एक एक संपत्ति की सरकारी कागजों से मिलान कर रही है। जांच पड़ताल के बाद एक्शन लिया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक अपराध से अर्जित संपत्ति मिली या अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। राजस्व विभाग की टीम लगातार गांव में बदमाश की संपत्ति की पैमाइश कर रही है। राजस्व विभाग की टीम ने बदमाश के मकान और उसके आसपास की जमीन की पैमाइश की। इसके लिए नायाब तहसीलदार भरत मौर्य खुद अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घटना के बाद से SP कन्नौज ने मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। इस कार्यवाही के संबंध में नायब तहसीलदार ने बताया कि फिलहाल जांच हो रही है, यदि इसमें कुछ भी संदिग्ध मिला है तो कानून के मुताबिक एक्शन किया जाएगा। बदमाश ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बता दें कि मामला कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धीरपुर नगरिया गांव का है। पुलिस के मुताबिक हत्या का कोशिश और रंगदारी के करीब 2 दर्जन से अधिक मामले में वांछित मुन्ना यादव कन्नौज और आसपास के जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी है। पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद वो 2 साल से फरार चल रहा था। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कन्नौज की अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की के आदेश दिए थे। सोमवार की शाम को कन्नौज पुलिस इस बदमाश के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद 2 दिन पहले पुलिस इस बदमाश को अरेस्ट करने भी गई थी। उस समय पुलिस को बताया गया कि ये बदमाश 2 साल से घर नहीं लौटा। ऐसे में पुलिस बेफिक्र थी कि ये बदमाश इस समय भी घर में नहीं होगा। ऐसे में बेहद लापरवाही पूर्वक पुलिस टीम उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाने पहुंच गई, जबकि बदमाश मुन्ना यादव को पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस नोटिस लगाने आ रही है। ऐसे में मुन्ना और उसका बेटा पहले से ही दीवार की ओर लगाकर बैठे थे। जैसे ही इस बदमाशों ने पुलिस को देखा, अचानक से फायरिंग कर दी। इस वारदात में नोटिस लेकर आगे बढ़ रहे सिपाही सचिन राठी की जांग में गोली लगी और वो मौके पर ही गिरकर तड़पने लगे। वहीं बाकी पुलिसकर्मी भी जीप की आड़ लेकर मोर्चा संभाल लिया। तत्काल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद जैसे ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, ये दोनों बदमाश बाप बेटे पीछे के रास्ते से भागने लगे। बेटे के साथ हिस्ट्री शीटर ने 5 घंटे तक पुलिस से डट कर मुकाबला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग के आगे पुलिस बेबस दिखाई दी। वो और उसका बेटा टिंकू शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस टीम पर रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। पुलिस अधिकारी ने कई बार दोनों से आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों ने पुलिस की एक ना सुनी। आसपास सरसों में खेतों में छिपकर जैसे पुलिस टीमें आगे बढ़ती थी, ये घर की खिड़की और छत से दोनों के दोनों फायरिंग शुरू कर देते थे। इससे 5 घंटे तक पुलिस बेबस बनकर खड़ी रही।
कैसे किया गया एनकाउंटर। फिर रात करीब 8 बजे अंधेरा बढ़ने के साथ साथ कोहरे की धुंध छनने लगी, इससे हाई मास्ट की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। इस बीच रात में कोहरे की धुंध और अंधेरे में पुलिस अचानक फायरिंग करते हुए मकान में दाखिल हो गई। पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे के पैर में गोली मारकर उन दोनों को घायल कर दिया। ऐसे में पुलिस ने इनकी पैर में गोली मारकर इनको दबोच लिया। फिलहाल इन दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कन्नौज ने भी इस बदमाश के खिलाफ जांच बैठा ली है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी का आदेश मिलते ही राजस्व विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर घायल पुलिसकर्मी सचिन को पहले सदर और फिर कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात भर मौत के जूझने के बाद मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। सचिन की एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। पिता खेती किसानी करते हैं। परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सचिन की मंगेतर भी एक सिपाही है, वो सौरिख थाने में तैनात है। 2 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। हिस्ट्री शीटर के घर पर चलेगा बुलडोजर। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने सुरक्षा के लिहाजे से ही गांव से बाहर निकलकर खेत में अपना घर बनाया था। मुन्ना यादव का क्षेत्र में इतना दबदबा है कि उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। राजनीति में हनक बनाने के लिए उसने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान भी बनाया। राजनीति में भी उसकी काफी दखल है। इसके चलते तमाम मुकदमे के बाद भी वो बाहर घूमता रहता है और पुलिस ने जब दबाव बनाने की कोशिश की, उसने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। मुन्ना के 2 बेटे हैं और पत्नी गांव के बाहर खेत में बने इसी मकान में रहते हैं। गांव वालों के अनुसार मकान काफी बड़ा और आलीशान है। उसके यहाँ आने वाले व्यक्ति की एंट्री घर के अंदर तभी होती है जब वो सीसीटीवी से देख लेता है। उसके बारे में पूरी तरह संतुष्टि होने के बाद ही उसका मेन गेट खुलता है। सोमवार को जब पुलिस पहुंची तो उसने सीसीटीवी में देख लिया और अलर्ट हो गया। इसके बाद उसने घर के अंदर से टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश करीब 24 साल से अपराधों को अंजाम दिया करता है। इस दौरान इसने 10 से अधिक हत्या और हत्या की कोशिश को अंजाम दिया है, जबकि इससे अधिक रंगदारी पुलिस के हथियार लूटने के मामले दर्ज है। इस बदमाश ने साल 1998 में अपराध में कदम रखा था। दरअसल इस बदमाश ने 1998 में एक सरकारी टीचर और उसके बड़े भाई को गोली मार दी थी। वहीं मुकदमे की पैरवी करने पर टीचर के बड़े भाई को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद 3 साधुओं की हत्या की। इसके बाद बदमाश ने अपने साथी सुखबीर को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया और पुलिस से राइफल छीन ली थी और सुखबीर के साथ फरार हो गया। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह बदमाश ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि हिस्ट्री शीटर मुन्ना की जन प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों के बीच में अच्छी पैठ है। पुलिस ने घर से 2 तमंचा और 1 लाइसेंसी राइफल बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद राइफल का लाइसेंस धारक हिस्ट्री शीटर मुन्ना है। अगर ऐसा है तो टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 20,000 के इनामी घोषित अपराधी के सशस्त्र का सर्वे पर निरस्तीकरण क्यों नहीं कराया गया। फिलहाल अधिकारियों ने लाइसेंसी राइफल मिलने के बाद चुप्पी साध ली है। इस घटना के बाद से प्रशासन फुल एक्शन में है। हिस्ट्री शीटर बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी कन्नौज की टीम इस बदमाश की संपत्तियों की जांच करने गांव पहुंची। प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति मिली या अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर चलना तो तय है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।